सांझ समय सानिंद्र न प गए के कई गे गबुनी निठुरता निकट किए जनु धरी दे सने जनु धरी दे सने काशी महारानी कहाँ है? महाराज महारानी कोप भवन में है। कोप भवन में है? हाँ महाराज। कोप भवन सुने सब कुछ उड़ा कोप भवन सुने सब कुछ उड़ा भय बस अगड़ ही पर ही न पा सुरपति बस ही बाहुबली जाके नरपति सकल रहाई रुकता के नरपति सकल रहाई रुकता के चंद्रपदनी मृगनैनी पिकबैनी बोलो किसने तेरा अनिष्ट किया है? कौन है जो यमराज को निमंत्रण देना चाहता है? तुम कहो तो मैं किसी भिखारी को राजा बना दूं और राजा को भिखारी। मैं कौन तुम्हारी होती हैं? बोलो रंग कुढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? लटके मोती क्यों बिखरे हैं? बन मार मार क्यों मचला है? फल गई मां गुलझन में है काकुल का कुल रंग बदला है। अरे उठो उठो सोलह श्रृंगार करो क्यों धूली धूसरित हो रानी? अरे क्या पीड़ा है क्या संकट है क्या इच्छा है मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो? इस जग में कौन हुआ किसका सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी ये जान मांग पर मिटती है बिन मांगे मोती मिलते हैं राजन मांगे से भीख ना मिलती है। अच्छा अच्छा जो मांग शीश पर है देखे मांग क्या देती है बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। अच्छा अच्छा ये कविता जाने दो बतलाओ तो क्यों रूठी हो सौगंध तुम्हें मेरी रानी बोलो बोलो क्यों रोती हो? अच्छा अच्छा तुम मेरे स्वामी हो मेरा मन रखने वाले हो रघुवंशी हो सत्यवादी हो प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का जो प्रण पे अपने मरते हैं प्रणवीर वही कहलाते हैं जो कहते हैं सो करते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु चाहे संसार पलट जाए सर कट जाए तो कट जाए पर वचन वचन नहीं जाने पाए। कुछ याद तुम्हें है महाराज तुम पर है दो वरदान प्रभु वो ही मेरा धन मुझको दो यदि बनते हो धनवान प्रभु। अच्छा प्रिय मुझे पता है तुम्हें महान करना प्रिय है तुमने कभी उन वरों को धरोहर रखकर मुझसे मांगा ही नहीं और तुम तो जानती हो हमारे भूलने का स्वभाव है व्यर्थ में हमें दोष मत दो चाहे दो वर के बदले चार वर मांग लो। रघु कुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज व्यर्थ है सब नकली जोश हो जाते हैं वक्त पर बड़े बड़े खामोश कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं करती हूँ मैं उपहास नहीं पर सच तो ये है राजा जी मुझको पुरुषों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कर मुझ अबला को मत बहकाओ सच्चे हो यदि रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। सौगंध राम की खा जाओ बस इतनी सी बात। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर जाए पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पे चढ़ जाए परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगा रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। है ऑन पहली मर्तबा
मर्तबा उस पुण्य नाम की खातिर हूं तेरे सामने सौगंध लगाऊंगी। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक पर भरत ही टीका, देहु एक पर भरत ही टीका। मांगौ दूसर पर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। मांगो रानी। हाँ तो प्राणपति प्राणनाथ, अब मुझे विश्वास हो गया है, मैं जो कुछ मांगूंगी वही मुझे मिलेगा। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वर अपने आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूँ। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सो सुन लो कंपित मत होना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना। युवराज राम जो होते हैं वो राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। माथे हाथ मूंद तो लोचन, माथे हाथ मूंद तो लोचन, तनु धरी सोचु लाग जन सोचन, मोर मनोरथ सुर तरु भूला, मोर मनोरथ सुर तरु भूला, भरत करनी जिमे हतहु समूला, हतहु समूला। मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष फूल चुका था, लेकिन लेकिन इसके कई रूपी हाथी ने उसे जल से उखाड़ कर फेंक दिया। क्यों महाराज, क्या भरत लाल आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप बाजार से खरीद कर लाए थे जो मेरे वचन आपको तीर के समान चुभते हैं? प्रिय प्रिय तुम ऐसे वचन क्यों बोलती हो? राम राम और भरत दोनों मेरी आंखें हैं, मैं प्रातःकाली दूत को भेज दूंगा और शुभ भारत निकाल कर भरत को राज तिलक दे दूंगा। मैं तो बड़ा और छोटा जानकर राजनीति का पालन कर रहा था, सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बहुत जानती है, मुझे एक से राम भरत वो त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने वो नहीं हुआ है भाई, मुझे मिल जाए राम भरती को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम बनो में वास करे और वो भी 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ ना पाया भेदों को। रानी रानी दे राज भरती को, पर क्रूर में राज कर, है राम चंद्र भी राजकुंवर उस पे ऐसा अन्याय न कर। रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पर के तेरे बस बस इतनी भीख मांगता है, तपसी होकर भी दूर ना हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। महाराज, 2 वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको पलट नहीं सकती, पड़ गई रेख जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे रहे वही उपाय बतलाती हूँ। अवदेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं,
तुम अपने मुख से खुद कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। बुद्धि वाली रानी मैवर से हमें दिखाती है जो सत्य हमारा जीवन है, उससे तू हमें गिराती है। हम सूर्यवंश की चादर पर काली मां नहीं आने देंगे। अरे सुनती है, प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। महाराज, सत्यवादी था एक हरिश्चंद्र, जिसने सत्यजानस संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए महाराज शिवी, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर की, जो मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए श्री उद्धदी जी, जो सुयश दान कर देते थे, जब आकर इंद्र मांगता था हड्डी और मांस तोलते थे। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिवी दधीची जैसा हड्डी या मांस न मांग रही, मैं मांग रही अपनी थाती, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। रानी, सूर्य कुल के लिए कुलाड़ी मत बन, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी दे सकता हूँ, किंतु मुझे राम के वियोग में मत मार, नहीं तो मेरी छाती जलती रहेगी। छाती जलती है तो जलने दो। तुझे रानी, बस राम का वनवास आया है। होनी प्रबल है, उसी ने अपना बल दिखाया है। मिलेगा क्या तुझे रानी, राम को वनवास दे करके? मिला था जो कौशल्या को, राम को राज दे कर। दया कर दे मेरे रोने और पिलखने पर। तुम्हें क्या लाभ है स्वामी समय को व्यर्थ खोने पर? ममता, तू घर को हो जाओ पहलू में, दिल ठंडा हो जाओ पहलू में, ओ बूढ़ी आंखों की आशा, जा तू भी सो जाओ पहलू में। रानी आचल पसार, थाती ले और दान भी ले, वर भी ले, वन भी ले, गति भी ले और प्राण भी ले। प्राण।